पोहरी विधानसभा 24 से भाजपा प्रत्याशी राठखेड़ा ने नामांकन फॉर्म जमा किया, उमड़ा जनसैलाब। भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने आज अपना नामांकन फॉर्म हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जमा किया। सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने आज अनुविभागीय कार्यालय पोहरी पहुंचकर SDM शिवदयाल धाकड़ के समक्ष राष्ट्रीय भाजपा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा किया। भाजपा प्रत्याशी राठखेड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जो विकास पिछले 18 सालों में किया गया है उसी को लेकर जनता के बीच जाना है। भाजपा प्रत्याशी राठखेड़ा ने आगे कहा कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, बल्कि पोहरी की जनता चुनाव लड़ रही है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो क्षेत्र में अमन और शांति बनाने का काम करूंगा, और जो क्षेत्र की जनता ने मुझ पर दो बार अपना विश्वास जताया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जो है आपका त्रिकोणीय मुकाबला है पोहरी में, तीसरी बार क्लास चुनाव में, और आपके जो है धाकड़ जी भी चुनाव में, आप किस तरह से चुनाव देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना नामांकन पेश किया है। चुनाव है, चुनाव चुनाव होता है, और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दी, यहाँ से तीसरी बार प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी विधानसभा चुनाव में, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 साल में मैंने इस क्षेत्र में इतना विकास कराया, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कराया, इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इतना विकास कराया, चाहे वो सकुला डैम हो, चाहे रोडों का पैकेज हो, चाहे स्टॉप डैमों का पैकेज हो, इतना विकास कार्य में लेके आया। अब एक दो विकास मेरी नाम और है, उसको भी हम जोड़ेंगे और आगे जाकर उसको भी। मध्य प्रदेश कितनी सीटें ला रही है भाजपा? मध्य प्रदेश में 150 पार कर रहे हैं हम। एक तरफा भाजपा की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बना रहे हैं। तो सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने का है इस बार क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है, हम सबके जन जन के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है, और हाईकमान जैसा निर्णय देगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता होते हैं, और हमारा वरिष्ठ और संगठन जो निर्णय लेता है।